विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। नामांकन के आखिरी दिन अशोक गहलोत ने जोधपुर की सरदारपुर सीट से अपना नामांकन भरा। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेताओं की संपत्ति के बारे में बताया था, वैसे ही आज हम आपको सीएम अशोक गहलोत की संपत्ति के बारे में बताएंगे। दरअसल गहलोत की संपत्ति की जानकारी उनके नामांकन पत्र के जरिए सामने आई है। शुरुआत करते हैं 2013 से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 के अनुसार गहलोत की संपत्ति महज 1,59,00,000 रुपए थी। वही अगर 2018 की बात करें तो 2018 में गहलोत की संपत्ति लगभग 5,91,00,000 रुपए थी और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत की संपत्ति करीब 1,22,01,000 रुपए थी। अब बात करते हैं 2023 की। बता दें 2023 में चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के अनुसार गहलोत की संपत्ति 10,90,46,000 रुपए है। मतलब 2018 से लेकर 2023 तक यानी 5 साल में गहलोत की संपत्ति दोगुना बढ़ी है। वही आपको बता दें गहलोत और उनकी पत्नी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। गहलोत ने अपने शपथ पत्र में फ्रिज, एसी, साउंड सिस्टम, कलर टीवी, आईफोन और अन्य सामान का भी जिक्र किया है जिनकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। आखिरी में आपको बता दें अशोक गहलोत के खिलाफ 4 केस पेंडिंग है, 4 में से 1 दिल्ली और बचे हुए 3 केस जयपुर में गहलोत के खिलाफ दर्ज है। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि गहलोत के पास सिर्फ आधा तोला सोना है और उनके बैंक खाते में सिर्फ 1,93,00,000 रुपए है। गहलोत ने नामांकन भरने से पहले अपनी बड़ी बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया था। अब देखने लायक ये होगा कि इस बार होने वाले चुनाव में राजस्थान की कमान जादूगर के हाथों में ही रहेगी या कोई और पार्टी अपना जादू दिखाकर जादूगर के हाथों में से ये कमान छीन लेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।